See, I believe now everybody has entered in the class, so I will resume the lecture. Abhi hum kahan pe? Advisory services pe. Now, what are advisory services? Those services which are given by a person who is well experienced and who will be advising the company as to what has to be invested, which project is worthwhile investing in the business, and what amount can be invested in different projects. म्यूट करो. ओके यस. इन अगेंस्ट दैट दे विल चार्ज फीस. ठीक है मैम. अब देखो सबसे पहला क्या होता है. द फर्स्ट वन इज इशू मैनेजमेंट. नाउ लेट मी टेल यू इन वेरी शॉर्ट वे. इशू मैनेजमेंट ना अ पर्सन विल कम फॉरवर्ड टू गिव यू एन एडवाइस as to how can you issue your shares. Now see, you will not looking after to these things. You don't have that much time to look after to these things. कौन से मार्केट में कौन से पब्लिक को अट्रैक्ट करना है और कौन से प्राइस पे हमको अपना शेयर्स को इश्यू करना है. Now they will manage everything on your behalf. A person will come forward. He will be appointed as a financial intermediary. And he will give you services. He's not giving you capital. He's not buying your shares. He will help you in issuing your shares in the market. He will see how and what shares are to be listed. समझ में आ रहा है? Stock exchange में list करवाने नहीं करवाने, कितने price पे shares को बेचना है, public listed company होनी चाहिए कि private listed company होनी चाहिए. He will look after two factors such as tremendous growth in number of size of public listed companies. Uski complexity kya honi chahiye? I mean, uski complexity kitni hai agar hum apni shares ko market mein issue karenge. Haan, matlab hamare behalf pe wo karega. Kya? Sara issue. Sare issue management. Receive. Dekho kaise receivables management tha. Usne humko cash de di, bills kharid liye. Ab wo dekhega bills ko discount karna hai ki wait karna hai customers ke time ke liye. कस्टमर्स जो एग्जाम्पल बिल कैसे होता है 3 महीने का. अब मेरा कस्टमर है, मैं कंपनी हूँ, मेरा कस्टमर है, समझो कस्टमर ए. अब कस्टमर का नाम है ए. अब मेरे पास मैं नहीं वेट करूंगी. मैंने सारे बिल्स किसको भेज दिए? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट को. सारे बिल्स मैंने किसको दे दिए? तू देख ले. अब वो मुझे एडवांस दे देगा, मतलब उसने मुझे कैश दी ना. डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उसमें कैश का. इशू मैनेजमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कैश का. वो क्या करेंगे? वो आपको कैश नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे मैं आपके नाम पे शेयर्स बेचता हूँ. आपकी कंपनी के जो आपको शेयर्स बेचने, कौन से मार्केट में शेयर्स लगाने चाहिए, कौन खरीद सकते कौन नहीं खरीद सकते, किसको मार्केटिंग करनी किसको मार्केटिंग नहीं करनी, सारा कुछ वो लोग देखते हैं. आई बात समझ में? तो इशू मैनेजमेंट में फंक्शन क्या होते हैं? ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम सेबी. अब आपको सेबी से परमिशन भी तो चाहिए कि मैंने शेयर्स बेचने, तो कंपनी को पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है, सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, परमिशन लेनी पड़ती है ना इशू करने से पहले. तो वो कौन लेगा आपके लिए? आपके पास उतना टाइम नहीं है सेबी से बैठ के बात करते रहो, आप परमिशन लेते रहो. ठीक है, तो वो आपके लिए कौन करेगा? इंटरमीडिएट. अरेंजिंग फॉर अंडरराइटिंग ऑफ प्रपोजल इशू. फर्स्ट इशू जो करना है उसके लिए भी तो आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. वो आपको हाँ मिडिल मैन कह सकते हैं, तो वो मिडिल मैन करके देगा. प्रिपेरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनलाइजिंग द प्रॉस्पेक्टस. आप देखो हमारे कॉलेज का भी प्रॉस्पेक्टस बना हुआ है. प्रॉस्पेक्टस क्या होते हैं? प्रॉस्पेक्टस इज नथिंग बट एन पैम्फलेट. एक पैम्फलेट टाइप होता है, थोड़ा बड़ा होता है, बुक बना हुआ होता है, और उसमें सारी चीजें ईच एंड एवरी काइंड ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द कंपनी. अच्छा, कंपनी ये टाइम पे शुरू हुई थी, कंपनी ने इतने प्रॉफिट्स इतने सालों में कमाए हैं, कंपनी के ये मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ डिटेल इज गिवन इन द प्रॉस्पेक्टस. वो प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, वो भी मिडिलमैन देख लेगा उसको. क्लियरिंग ऑब्टेनिंग क्लियरिंग एजेंट सॉरी ऑब्टेनिंग इट्स क्लियरेंस फ्रॉम वेरियस एजेंसीज. मतलब जिन जो जो एजेंसीज के साथ मेरा सेटलमेंट करना रहा हुआ है, कुछ लेना है पैसा, कुछ देना है, कुछ इंटरेस्ट रहा हुआ है लेने के लिए, तो वो सेटलमेंट भी
आपको इंटरमीडिएट करके देते हैं. फाइनलाइजेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज करके देगा? एप्लीकेशन फॉर्म्स, मतलब लोग जब आपसे शेयर्स खरीदेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरकर शेयर्स खरीदे जाते हैं ना, हमने इशू ऑफ शेयर्स में सीखा है ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में. तो एप्लीकेशन फॉर्म्स का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, नेम, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज, शेयर प्राइस एक्सेट्रा. न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी वही देखेगा कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालनी है, मेरी कंपनी यही है जिन पे शेयर्स इशू कर रही है. जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा शेयर्स इशू कर रही कंपनी. एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कि लीगल कुछ प्रोसीडिंग्स हैं, सेबी से परमिशन लेना, उसको अप्रूवल करवाना, तो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाना, किसी की साइन लेना बाकी है डॉक्यूमेंट्स पे, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. जो जरूरी चीज है वो टाल नहीं सकते हैं गवर्नमेंट, आई मीन गवर्नमेंट लेवल पे होती है. मेकिंग अ चॉइस रिगार्डिंग रजिस्ट्रार टू इशू, कंपनी जो इशू करवा रही हूँ मैं उसको रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी है कि नहीं करवानी है, प्रिंटिंग प्रेस में देना है कि नहीं देना है एडवर्टाइजमेंट्स को, कि सिर्फ न्यूज़पेपर में ही काफ़ी है. मतलब जरूरी नहीं है ना आप न्यूज़पेपर में दो, आपने आपने पैम्फलेट्स दे दिए भारतीय सबको, या फिर कभी कभी देखो कंपनी को जरूरत भी नहीं पड़ती है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने की. क्यों? क्योंकि आपकी ऑलरेडी कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि एक को सिर्फ पता लग जाएगा, खुद ही सबको पता लग जाएगा. एडवर्टाइजमेंट के पीछे पैसा वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस मतलब न्यूज़पेपर में देने की जरूरत ही नहीं. एंड अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, यस, उनकी गुडविल इतनी अच्छी होती है कि उनको एडवर्टाइजमेंट करने की नीड ही नहीं है, है ना. उनके अपने इम्प्लॉयज इतने होते हैं तो वो कहते हैं हम ही खरीद लेंगे शेयर्स. ठीक है, समझ आएंगे. ठीक है, और इसके कुछ और फंक्शंस भी दिए हुए हैं. अरेंजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, देखो कभी कभी ना इनको कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करने पड़ते हैं टू सी कि मेरी कंपनी के कुछ लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि बाहर के लोग भी हैं इंटरेस्टेड, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करने पड़ते हैं. और प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट भी कर लेते हो कि मतलब मेरे ये शेयर्स इशू होने वाले हैं, क्योंकि सारे प्रेस के लोग आते हैं, ठीक है, सारे मीडिया के लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, यस, ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग प्रिंटिंग पब्लिसिटी एंड अदर वर्क इन ऑर्डर टू गेट एवरीथिंग रेडी एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू, हर चीज़ आपको रेडी करके रखनी पड़ेगी. तो आपके पास देखो कितने सारे फंक्शंस हैं इसके, आपके पास टाइम नहीं है देखने के लिए, इसीलिए तो आपने मिडिलमैन को अपॉइंट किया ना, ये सब वो देख लेगा. सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए इशू करना, ये भी तो एक चीज है जिसके जिसको कंप्लाई करना होता है, जिसको देखना होता है. रिपोर्ट्स बनाना कि इशू इतना हुआ, इतना पेंडिंग है, इतने लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे, इतने पे मेरे शेयर्स बिके, इतनी फेस वैल्यू थी, है ना. तो ये सारी रिपोर्ट बनाना, सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करते हुए इशू करना, ये सब चीजें आपका फिनेंशियल इंटरमीडियरी देखते हैं, ठीक है. अब कैटेगरीज क्या क्या होती है सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए, आई थिंक टाइम हो गया है, ठीक है, ये खत्म कर लेते हैं, 2 मिनट में आई फील हो जाना चाहिए. कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटीज इशू, अब जब जब आप सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, जब जब आप शेयर्स को, सिर्फ शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज मतलब सब कुछ आ गया इसमें. अब जब जब आप शेयर्स को इशू करवाते हो ना किसी पर्सन के थ्रू, उसने कहा कि मैंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. व्हाट आर द कैटेगरीज डिवाइडेड? पब्लिक इशू, पहले तो या तो पब्लिकली इशू करना है, या तो राइट्स, राइट्स मतलब सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को देना है, ठीक है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट मतलब कुछ ही लोगों को तब सीमित होता है. कुछ ही लोगों तक सीमित होती है प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली इट इज डन प्राइवेटली. अब वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इशू, वर्किंग मैकेनिज्म मतलब
ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं पब्लिक इशू, सबसे पहले इसका प्रोसीजर दिया हुआ है. सबसे पहले आप डिसीजन लेंगे कितना कैपिटल रेज करना है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना कैपिटल रेज करना है, पहले इसका डिसीजन लेंगे. अच्छा, फिर सेबी से परमिशन लेंगे, सेबी से अप्रूवल ऑब्टेन करेंगे, अरेंजिंग अंडरराइटिंग, एक अंडरराइटर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए सारा काम देखेगा, शेयर्स को बेच कर देगा. प्रिपेरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस बनाएंगे, कंपनी ने इतने शेयर्स इशू किए थे, अब इतना शेयर्स बढ़ाने हैं, कैपिटल बढ़ानी है, कंपनी को पैसे चाहिए, तो इतने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, इतने लोग हैं मेरी कंपनी में जो ऑलरेडी शेयर्स खरीद के बैठे हैं, ठीक है. प्रॉस्पेक्टस में हर एक चीज, सिलेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स, कौन इंटरमीडियरी देखेगा कि अब मैंने कौन सी बैंक को चूज करना है, जिसमें ये अकाउंट डीमटेरियलाइजेशन हो गया ना अभी, तो सब डीमटेरियलाइजेशन मतलब अब शेयर्स है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल करवाने के लिए तो आपको बीच में एक बैंक चाहिए ना, एक ब्रोकर चाहिए जो बैंक के अकाउंट ओपन करवा के देगा और उसमें सारे शेयर्स, और ये भी तो देखना है कि किसके पास मेरे शेयर्स का डिपॉजिटरी होना चाहिए, NSDL के पास कि CDSL के पास, ये आपको अच्छे से पता ही, नंदिनी मैम ने आपको बताया है, NSDL इज नेशनल डिपॉजिटरी और CDSL इज सेंट्रल डिपॉजिटरी, तो ये दो डिपॉजिटरीज हैं जिनके पास अपने शेयर्स आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है. अरेंजिंग प्रेस एंड इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेस, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये इसके बाद होता है, पहले बैंक वैंक डिसाइड हो गई कौन सी बैंक के साथ हमने ये डीलिंग करनी है, अब उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस रखेंगे, जिसमें लोग आपके पास शेयर्स खरीदने के लिए इन्वाइटेड होंगे. नेक्स्ट होगा प्रिंटिंग एंड पब्लिसिटी ऑफ द पब्लिक इशू, अब आप उसको पब्लिसिटी आई मीन प्रिंटिंग करवाएंगे कि अच्छा इतना पब्लिकली मैं शेयर्स को इशू करने जा रही हूँ. और लास्ट में क्या होगा, सेबी कंप्लायंस, सेबी कंप्लायंस मतलब सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आपने इशू किया, फाइनली इशू कर दिया, ठीक है, और इशू करने के बाद इशू लॉन्च हो जाते हैं, लॉन्च मतलब अब शेयर्स खरीदे जाएंगे, आपको पैसे मिलते जाएंगे, लोग शेयर्स खरीदते जाएंगे, आपको पैसे कैपिटल मिलता जाएगा, इसको कहते हैं इशू लॉन्च, मतलब लॉन्चिंग हो गई, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं. अब एक्टिविटीज क्या क्या इन्वॉल्व है इसकी, हाँ, अब इसकी एक्टिविटीज क्या क्या इन्वॉल्व है, साइनिंग ऑफ MOU, MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ MOU नहीं बोल सकती इसको, MOU क्यों लिखा हुआ इसमें, ठीक है, मतलब देखो साइनिंग ऑफ MOU का मतलब क्या होता है, जब दो पार्टीज है ना मिलकर काम करती हैं, आपके नाम पे कोई काम कर रहे हैं, तो पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है कि आप मेरे बिहाफ पे काम कर रहे हैं और आपको मुझे इतना इतना कमीशन देना पड़ेगा, ओके. तो MOU किसके लिए था, जैसे हाँ अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, बट ये MOU नहीं होना चाहिए, फाइनेंस में इसको MOU नहीं कहते हैं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पे ना मुझे लग रहा है मिस्टेक है, MOU नहीं होता है, कंपनीज के लिए ना वो अलग एक अलग ही वो होता है, ओके मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, इसके लिए मैं आपको पेंडिंग रख के बताती हूँ, बट मैं इसकी मीनिंग बता दूँ तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, इन शॉर्ट दो जनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है कि आप मेरे बिहाफ पे इतना इतना काम मुझे ये टाइम तक खत्म करके मिलेगा और इसके अगेंस्ट में मैंने आपको इतनी कमीशन देनी है. ऑब्टेनिंग अप्रेजल नोट, अप्रेजल नोट किससे लेते हो आप, बैंक से, आपकी लेंडिंग एजेंसी से जो आपको कैपिटल प्रोवाइड करेंगी, कोई अगर एजेंसी है, कोई कंपनी जो आपको फंड दे रही है, जिस प्रोजेक्ट के लिए फंड लगाया जा रहा है उससे, उसका अप्रेजल नोट लगेगा कि अच्छा ये प्रोजेक्ट में पैसे जाने वाले हैं, तभी तो लोग आपके पास इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको पता ही नहीं ये पैसे कहाँ लगने वाले, मेट्रो में लगने वाले, तो लोग भाग के आ जाएंगे पैसा लगाने के लिए, तो एक अप्रेजल नोट चाहिए होता है कंपनी का, ठीक है, कि किस प्रोजेक्ट में आप ये पैसे लगाने वाले. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम मतलब इनफ क्या बोलते हैं उसको, फीजिबल होगा जिसमें हम लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगा सकें, उतना इनफ पैसा
लिया जाता है जितना हमारे, हाँ एसोसिएशन बोल सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एक्चुअली, और एक मेमोरेंडम ऑफ ये होता है क्या कहते हैं, जिसमें दो जने लिंक होते हैं ना, उसके लिए एक वर्ड होता है, मैं ना आपको ढूंढ के बताती हूँ। एसोसिएशन होता है पर इसको हम फाइनेंस में ये नहीं कहते, मैं आपको देख के बताती हूँ, जाने दो अभी, आप ये ध्यान दो आगे, मतलब तो आप समझ ही गए ना। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स उतनी इनफ अपना आपका अपना कैपिटल रेज करना है जितने में आपका ये प्रोजेक्ट ठीक से लग जाए, जितना भी फंड आपने रेज किया था वो प्रोजेक्ट में यूटिलाइज हो जाए। कन्वीनिंग मीटिंग, कन्वीनिंग मीटिंग मतलब ऐसी मीटिंग जो आप अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप अपने मेंबर्स, पुराने शेयर होल्डर्स के साथ रखते हो, टू साइन, टू सीक द परमिशन वेदर हम लोग को इतने शेयर्स इशू करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अपॉइंटमेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, आप जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को अपॉइंट करोगे उसका सैलरी, उसका फीस, उसका अपॉइंटमेंट टाइम, कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट कर रहे हो, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगे वो बता रहे हो आप उनको, तो ये सब अपॉइंटमेंट के आते। प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स, वो हमने ऊपर डिस्कस किए थे ठीक है, एमओयू के हिसाब से जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रजिस्ट्रार बैंक्स के साथ और अग्रीमेंट्स जो जो बनाई गई है, प्रॉस्पेक्टस ठीक है, अगर कुछ न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसका एक अलग, रिपोर्ट्स, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रेडी करने होते हैं। ड्यू डेलिजेंस सर्टिफिकेट, ड्यू डेलिजेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, जिसमें कंपनी लीगल रिक्वायरमेंट, जहाँ पे भी वर्ड ड्यू डेलिजेंस आ गया वहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब कि सेबी से परमिशन लेनी है तो आपको ड्यू डेलिजेंस सर्टिफिकेट उनसे लगेगा ना, जब तक वो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे तब तक आप ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसको आप कह सकते हो कि जब तक आप उनसे परमिशन नहीं लेते हो तब तक आपका जो प्रोजेक्ट को जो पैसे लगाने हैं जिसमें, वो ट्रू एंड फेयर नहीं है, कुछ तो उसमें मिस्टेक्स हैं, कुछ तो फ्रॉड है, तो जब तक आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा ये। सबमिशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, अब ऑफर डॉक्यूमेंट बन गया आप उसको आगे सबमिट करो सेबी के पास। फाइनलाइजेशन ऑफ कलेक्शन सेंटर्स, आप क्या करोगे, आप प्रॉस्पेक्टर्स को, प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को आगे लीड करोगे, मतलब आप अपने इंटरमीडियरी को बोल रहे हो कि अब देखिए अब हमारा सब काम हो चुका है डॉक्यूमेंट्स का, अब फाइनली हम लोग इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि सेबी की परमिशन मिल गई ऑफर डॉक्यूमेंट के जरिए। 21 दिन लगते हैं उसको सेबी की परमिशन लेने में, अब आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच करोगे, कलेक्शन सेंटर्स के पास जाएंगे ठीक है। फाइलिंग विद आरओसी, आरओसी इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसके बाद उसके पास जाकर फाइलिंग कराएंगे। लॉन्चिंग द इशू, लॉन्चिंग द इशू इज द नेक्स्ट स्टेप, मतलब अभी फाइनली क्योंकि अब मेरे शेयर्स लिस्टेड हो गए, रजिस्ट्रार हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइनल अप्रूवल मुझे मिल गया कि हम ये काम शुरू कर सकते हैं ठीक है, एक्नॉलेजमेंट हो गई उसकी, अब आपने वाकई में शेयर्स को लॉन्च करना है ठीक है। लॉन्च कर लिया, अब आपको प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके पास ये जो लॉन्चिंग होती है ना वो प्रमोटर्स करके देते हैं आपको, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो होते हैं ना वो प्रमोटर्स होते हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना कि कौन कितने लेवल पे आपको ये लॉन्च करके देने हैं मुझे शेयर्स ठीक है, मतलब शेयर्स कितने ओपन करवाने हैं, कितने मतलब क्या कहते हैं, किस प्राइस पे क्लोज करना है मुझे ये शेयर्स को, तो ये सारा प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। इशू क्लोजर, इशू क्लोजर मीन्स फाइनली अब आपने शेयर्स सारे बिक गए ठीक है, तो अभी आपको क्लोज भी तो करना पड़ेगा, जो ओपन किया था आपने इशू को, लॉन्च किया था उसको, लास्ट स्टेप क्या होगा, क्लोज कर, तो ये आपके सारे क्या हो गए, स्टेप्स हो गए, ये एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो गई इशू मैनेजमेंट। अभी नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि लंबा जाएगा ये, एक ही दिन में सब कुछ नहीं समझ पाएंगे ओके। अभी मेरे ख्याल से इसके बाद आपका कोई लेक्चर है, किसका लेक्चर है, मैं नहीं मानता है, कभी होगा वो तो शाम को होता है ना, हाँ ठीक है ओके चलो ठीक है, अभी आप अपना इवनिंग तक ब्रेक ले लो ठीक है ओके।
हम फिर कल कंटिन्यू करते हैं, आप रिवाइज जरूर करते रहना ओके। आपके पास मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं ठीक है, गूगल क्लासरूम पे चेक करो, रिवाइज करते रहो ओके। शैल आई एंड द लेक्चर? ओके ओके, बाय एवरीबॉडी।